गुड मॉर्निंग डियर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास है और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉनी जे के बारे में कि जॉनी जे एक सेलर है जिसका ज़्यादातर वक्त समुद्रों में बीता और उसका घर समुद्र ही है। वो अपने साथ एक तरह का जानवर रखते एक परिंदा रखता है जिसको क्रेजी कूट के नाम से जानते हैं। वो अजीब सा परिंदा है, उसमें खासियत यह है कि लोगों की आवाज़ को बहुत ही जल्दी सीख जाता है। जिस तरह से लोग बात करता है वैसे वो बात कर सकता है। साथ ही वो थोड़ा टेम्पर्ड है क्योंकि वो इस तरह का है कि अगर कोई इंसान को देख लेता है जॉनी जे के साथ तो उसे वो चीज़ बुरा नहीं लगता। और साथ ही उसमें और चीज़ें हैं जो अजीब हरकतें वो करता है, जैसे कि वो कभी ऐसा विशिल निकालता है किस तरह के सीटी जैसी आवाज़ निकालती है, कभी ऐसा साउंड निकालता है जैसे कि गोली चल रही हो। ये सब उसको अजीब बनाता है। साथ ही वो ऐसा है कि उसे अपने साथी के साथ मतलब उसका जो मालिक है मास्टर है जॉनी जे उसके साथ वो मूवी भी देखने जाता है और उसे ये सब देखने में बहुत ही मज़ा आता है। इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा कि ही लव्ड ऑन विसल, वो सीटी मारना उसे पसंद है, वो सीटी की आवाज़ जो होती है उसे पसंद करता है। वेन एवर ही सॉ ए गर्ल और ए वुमैन ही वुड विसल लाउडली and pretend to faint। वो क्या करता है कि जब कभी किसी लड़की को देखता है या औरत को देखता है तो वो सीटी मारता है, और जब कोई बच्चे को देखता है तो उसको छेड़ता है। He also threw his favorite food, sunflower seeds, throughout Johnny Jay's house and love to hide behind things। और वो क्या करता है कि सनफ्लावर का सीड होता है या जैसे उसका पसंदीदा कोई खाना होता है उन सबको वो फेंकता है, जैसे बच्चे सब को छेड़ता है उसी को, और फिर वो सबको फेंक करके वो सब कैसे जॉनी जे के घर के पीछे से फेंकता है और फिर घर के पीछे में छुप जाता है। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वेयर ए वेल मैच्ड पेयर स्टोबॉर्न एंड सॉलिटरी। जॉनी जे और क्रेजी कूट दोनों अच्छी तरीके से दोनों का मैच कर रहा है, मीन्स कि दोनों जो है ज़िद्दी है, दोनों में ज़िद है। जॉनी जे ऑर्डर सिस्टर मिसी में वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाऊ। जॉनी जे ओल्डर सिस्टर मिसी मे वॉज नॉट फाउंड ऑफ द मकाउ। सी वुड विजिट देम वेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वेयर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ गुआना। एक बार क्या हुआ कि जॉनी जे जब अपनी बहन के यहाँ गया, बड़ी बहन के पास, तो वहाँ उसने मकाउ को नहीं देखा, मतलब ये तोता जो था उसे नहीं देखा था। तो वो उसे देखने के लिए आई जब जॉनी जे और क्रेजी कूट उसके यहाँ ठहरे हुए थे, तो गुआना के आइलैंड पर ठहरे हुए थे, तो वो देखने के लिए आई। वेन एवर मिसी में वॉज अराउंड क्रेजी कूट ही वुड स्क्रीच एट हर। जब तक कि वो उसके पास रही, उसके आसपास रही, मिसी में जब तक उसके आसपास रही, तो ये क्रेजी कूट अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा था, जो कि वो ये शो कर रहा था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये यहाँ पर क्यों है। देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट एंड लाफ अलाउड। वो क्या करता था कि वो कभी गन शॉट का मतलब बंदूक के चलने की आवाज़ वाला आवाज़ निकालता, कभी सायरन निकालता, और फिर वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता।
मिसी मे एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट हैप्पी विथ क्रेजी कॉट। मिसी मे इन सब हरकतों से खुश नहीं थी, जैसा कि आप सोच सकते हैं कि इस तरह का हरकत करेगा तो वो कैसे खुश होगा, तो वो खुश नहीं थी क्रेजी कॉट से। वन आफ्टरनून मिसी मे केम टू विजिट जॉनी जे। एक दिन दोपहर में मिसी मे जॉनी जे से मिलने आई। वेन सी डिड नॉट फाइंड हर ब्रोदर इन द हाउस, जब वो अपने भाई को घर में नहीं देखा, शी डिसाइडेड टू स्लीप इन द पार्लर फॉर सम टाइम, तो उसने कुछ देर के लिए वहीं गेस्ट रूम में सो जाना चाहा। सी इग्नोर्ड क्रेजी कॉट, और उसने क्रेजी कॉट को इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। वेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन डैट ही वॉन्टेड, क्रेजी कॉट स्टार्टेड मटरिंग एंड देन हाइड बिहाइंड सम बुक्स। तब क्या किया क्रेजी कॉट, जब देखा कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है मिसी में, तो उस वो कुछ बरबराने लगा और वह अपने आप को किताब के पीछे छुपा लिया। देन ए थीफ क्लाइम्ब इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर। तब क्या हुआ कि एक चोर गेस्ट रूम के खिड़की होकर के घर में घुसा। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेक अप मिसी मे। और उसके बाद वो क्या किया कि धीरे धीरे जो सामान था घर के अंदर उसे अपने बैग के अंदर डालना शुरू कर दिया। चुपचाप वो डाल रहा था बैग के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिसी मे जाग जाए। बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट क्रेजी कॉट हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक। लेकिन चोर को तो ये पता नहीं था कि क्रेजी कॉट किताब के पीछे छुपा हुआ है। आउट ऑफ नो वियर सम वन शाउटेड, यू थीफ यू किल मी। वो देखा कि वहाँ कोई नहीं है और वो चिल्लाया कि तुम चोर, तुम मुझे मार दोगे, लीव मी अलोन, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। मैं तुम्हें कहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम जेल चले जाओगे। इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ पुलिस साइरन एंड गन शॉट्स, और साथ में जो हो पुलिस का सायरन और बंदूक की आवाज़ गन शॉट भी चला रहा था, मीन्स के वो आवाज़ निकाल रहा था गन शॉट का और पुलिस के सायरन का। द थीफ द सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन। तो ये सब सुन करके क्या हुआ कि तुरंत चोर अपने आप को जो स्टोन था, जो पत्थर की वो चट्टान वगैरह होते हैं, कुछ स्टोन वगैरह था, उसके पीछे अपने आप को छुपाने लगा। द थीफ जंप्ड टू एस्केप एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर। और उसके बाद क्या हुआ कि स्टोन के पीछे छुप करके वो अपने आप को छुपाते हुए कूदा, चोर कूदा, और उसी टाइम वो मिसी मे जो थी वो एक कुर्सी पर से एक शॉट कर दी, बंदूक चला दी। सरप्राइज द थीफ ट्रिप्ड एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल। इस पे चोर बहुत ही घबराया और घबराहट में उसने अपने टेबल पर ही अपने सर को मार लिया। ही फेंटेड, वो जख्मी हो गया। मिसी मे देन कॉल्ड द पुलिस, तब मिसी मे ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बुलाया। हु अरेस्टेड द थीफ, और उसने चोर को पकड़ा। फीलिंग एक्सटैटिक एट बीइंग सेव्ड, मिसी मे वेंट टू क्रेजी कॉट टू पेट हिम। अब क्या है कि तब मिसी में पुलिस को बुलाई और चोर को पकड़ लिया गया। तो इन सब की वजह से मिसी में क्रेजी कॉट से बहुत खुश थी, उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी कि मिसी में ने क्रेजी कॉट ने उसे बचा लिया।
But what do you think did the already already irritated Crazy Coot do? Crazy Coot said, "You thief, you kill me, leave me alone, I call police, you go to jail." उसके बाद क्या हुआ कि वो तो बहुत खुश थी जब क्रेजी कैट के पास गई, क्रेजी कूट के पास गई, तो वो क्रेजी कूट उससे तो पूरी तरह से पहले से बदमिजाज बना हुआ था, उससे चिढ़ा हुआ था, तो वो फिर से क्रेजी कूट चिल्लाने लगा कि तुम चोर हो, तुम मुझे मार दोगे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुम जेल चली जाओगी। द पुलिस फ्रोज व्हेन दे हर्ड क्रेजी कूट एंड देन बस्ट आउट लाफिंग। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मे वाज एबल टू एस्केप अनहर्ट। उसके बाद पुलिस क्रेजी वहाँ आ गई, पुलिस ने क्रेजी कूट को रोक दिया और वहाँ जो है सब जोर से हंसने लगे। और इस तरह से क्रेजी कैट को किस तरह से बिना चोट पहुँचाए पकड़ा जा सकता था, इस चीज़ में मिसी में एबल हो पाई। तो ये कहानी है आपका द क्रैंकी मकाओ का। इसे आप लोग रीडिंग लगाएंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।